जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी है, कृषि यंत्र की स्थापना में महिला सशक्तिकरण को साकार करने के लिए जीविका समूह को प्राथमिकता दी जा रही है। जी हाँ, प्रस्तुत छाती में जीरो टिलेज मशीन से बुआई ड्रोन के माध्यम से उर्वरक प्रबंधन और निपस से फसलों की कटाई प्रदर्शित किया गया है। और अब हम देख पा रहे हैं, खेल रहा है बिहार, खेल रहा है बिहार। कला संस्कृति विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी प्राधिकरण और उन्हें तलाश कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का लक्ष्य आगामी 2028 में अमेरिका में होने वाले ओलंपिक खेलों में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। खेल रहा है बिहार, खेल रहा है बिहार। जी हाँ, महिला कबड्डी टीम की विजेता खिलाड़ी झांकी को दुराई हम चैंपियन है। विश्व में अगले खिलाड़ी साइकिल चलाते हुए दर्शाई जा रही है। सीधी चित्रण के भाग में खिलाड़ी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बिहार सरकार द्वारा दी गई राशि को एक चेक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। राज्य सरकार की खिलाड़ियों के प्रति संवेदनशीलता दिख रही है। नेशनल चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर खिलाड़ी श्री भोला सिंह को भी दिखाया गया है। पर्यटन विभाग की ये छाती जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोहिणी व्यासपाठा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में दिखाया गया है। रोहिणी व्यास की सुरक्षा हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। वहाँ एक अत्यंत प्राचीन शहर है। पुराण और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। इस अंग प्रदेश के निकट स्थित चंपा नगर महान पराक्रमी शूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती है। पुराण में वर्णित मंथा अर्थात मंदराचल तथा मथानी में लपेटने के लिए जो रस्सी का उपयोग किया गया है वही इसी स्थल से संबंधित मानी जाती है। बांका जिला अंतर पूर्वी डैम पर्वतीय सुविधाओं के विकास के लिए 7,25,88,400 रुपये की स्वीकृत राशि है। ये छात्र हुए श्रम संसाधन विभाग प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु कुशल युवा कार्यक्रम राज्य के सभी प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है। राज्य में कौशल विकास हेतु संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस छात्र में प्रदर्शित किया गया है। बिहार कौशल विकास मिशन और इसके पीछे है अभी जो सुरक्षा ज्ञान मान सुरक्षा अग्निशाम विभाग की छात्री बिहार अग्निशाम सेवा नियमावली जारी की। पूरे राज्य में दिनांक 24/3/2021 से मानव संसाधन प्रबंधन के नियमावली के अनुसार सभी पदों पर किसी नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। केंद्रीय चयन परिषद के अंतर्गत कुल 2,380 अतिरिक्त पदों का अंतिम रूप से अनुभव का बिहार अग्निशमन सेवा प्रकाश हुआ। अग्निकों के योगदान की प्रक्रिय सेवा के क्षमता वर्धन हेतु चरणबद्ध रूप से आधुनिकतम अग्निशमन वाहनों यंत्रों के ट्रैक योजना इसके अंतर्गत जहां वर्ष 2021-22 के 34 अदद बड़े अग्निशाम वाहनों के क्रय हेतु कार्यादेश दिया गया है, वही वर्ष 2022 से 6 अदद वाटर लॉन्चर, 3 अदद फ्यूल टेंडर वाहनों का क्रय करने की कार्रवाई की जा रही है एवं 12 अदद मिस टेक्नोलॉजी युक्त मोटरसाइकिल के क्रय हेतु बिहार अग्निशमन सेवा जल संकल्पित होकर अग्नि से सुरक्षित बिहार की हमेशा तत्पर। बिहार में आप देख रहे हैं कि झांकी में देख रहे हैं बिहार अग्नि सेवा द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं अग्नि निवारण के क्षेत्र में विभिन्न
प्रारंभ की गई योजनाओं को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। झांकी के उपलब्ध संसाधनों की आग पर काबू को पाया गया। अग्नि से हम बचे रहे। देख रहे हैं जीविका बिहार झांकी, उद्यमिता से आत्मनिर्भरता, चल पड़ा ये रंग विजय का, चल पड़ा ये रंग विजय का, ये विजय पताका हाथ में, उद्यमिता भी यहाँ पर है हाथ थामी हाथ में। यहाँ कितनी भी कठिन हो जाए कितनी चुनौतियाँ, अपने हाथों से लिखेंगे हम अपनी किस्मत साथ में। जीविका की झांकी प्रगति के विवरण का झंडा थामे, जीविका की महिलाएं उसके ठीक पीछे चल रही है। जीविका की मनमोहक झांकी जिसके अग्रभाग में प्रदर्शित है जीविका मधुरा उत्पादक कंपनी द्वारा उत्पादित शुद्ध शहद, मधुरा महिला उत्पादक कंपनी उत्पादित शहद की ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग कर बाजारों में बिक्री हेतु उपलब्ध करवा रही है और अब तक 2500 मीट्रिक टन से अधिक शहद का विपणन 45 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर चुकी है। काशिकी महिला दुग्ध उत्पादन कंपनी द्वारा बने उत्पाद जैसे दही, मावा, शुद्ध घी के निर्माण एवं विपणन और साथ ही साथ महिलाओं द्वारा संचालित बहुत चर्चित दीदी की रसोई का दृश्य दिखाया गया। और सबसे अंत में बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अरे शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला का हिस्सा है जो बैगलेस सुरक्षित शनिवार का जश्न मना रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्कूलों में बैगलेस सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस पहल के अंतर्गत हर शनिवार को बच्चों को बस्ते के बोझ से आजादी तो मिलती ही है, साथ ही साथ खुलता है मस्ती का पिटारा। झांकी के अग्रभाग में अपने वर्ग कक्ष और ब्लैक बोर्ड को सजाते संवारते ये बच्चे, कितनी सुंदर मिथिला चित्रकला। झांकी के माध्यम से बच्चे उमंग दिखा रहे हैं, कुछ बच्चे बांस के कुम्हार की चाक पर काम करते देख रहे हैं, कुछ बच्चे पौधों को पानी दे रहे हैं। स्कूल का पुस्तकालय कितना निराला है, बाल पत्रिकाओं और रोचक कहानियों से भरा पड़ा है। बालिकाएं महामारी प्रबंधन के विषय में चर्चा कर रही है। एक कक्षा में तो कंप्यूटर